हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है डियर आप सभी का इंग्लिश विद रंजन सर यूट्यूब चैनल पे। और डियर आज हम लेकर हाजिर हैं कंजंक्शन। डियर जैसा आप सभी जानते हैं कि हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कर रहे थे, बीच में थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अदरवाइज ये कंटिन्यू रखता मैं। बट आज मैं आपको देने वाला हूँ कंजंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डियर, जो कि आपको आने चाहिए। अगर हम एडवांस लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जरूर आना चाहिए। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट के लिए जनरली मैं नहीं बोलता हूं, बट लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो डियर देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश विद रंजन सर। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। और डियर एक मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो है सिर्फ आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए। डियर अगर आप स्पोकन इंग्लिश करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा नॉइज आ गया। अगर आप स्पोकन इंग्लिश हिंदी मीडियम से हैं और अगर आपको दिक्कत होती है इंग्लिश बोलने में, एंड इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, देन ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पर अभी मैंने 1 मंथ का सिलेबस अभी अपलोड किया है सिर्फ, आप जा करके उस सिलेबस को देख सकते हैं कि 1 महीने में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। डियर ये थी हमारी अन अकेडमी की, एक्चुअली ये स्लाइड पुरानी बनी हुई थी, बट अभी मैं बता दूं अभी मैं कौन कौन से क्लासेस ले रहा हूँ। डियर ये क्लासेज अभी आप अन अकेडमी पर लाइव देख सकते हैं, और एक क्लासेज है डियर 6 to 7, ये आपके CHSL पेपर के लिए कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे उनको एनालिसिस किया जा रहा है, और साथ ही साथ वहां पर आपको कुछ मॉक टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। और डियर अगर आप अन अकेडमी पर कोई भी प्लस कोर्स लेते हो और अगर आप ये कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डियर चलिए शुरू करते हैं, और चूंकि ये बेसिक इंग्लिश है, ठीक है, और आज है डे नंबर 10, इसके पहले 9 क्लासेस हमने लाइव ली थी। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम कंजंक्शन सीख रहे हैं तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल है, ये आपको आने ही चाहिए बिफोर गोइंग फॉरवर्ड कि हम एडवांस लाइक इंग्लिश के लिए जा रहे हैं, एडवांस कंजंक्शन पढ़ना चाह रहे हैं, ये चीजें आपको सीखना ही पड़ेगा। तो डियर बात करते हैं कंजंक्शन आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलेंगे कि आखिर डेफिनेशन होता क्या है। द वर्ड कंजंक्शन इज अ सिनोनिम्स ऑफ ज्वाइनर और कंबाइनर। ये है क्या, अगर हम बात करें ज्वाइनर शब्द की बात करें या कंबाइनर शब्द की बात करें, तो डियर ये दोनों का सिनोनिम्स हो सकता है। ये जो कंजंक्शन है क्या हो सकता है, ज्वाइनर शब्द का। ज्वाइनर का मतलब क्या होता है, ज्वाइनर बना कैसे, जरा इसको जान लिया जाए। ज्वाइन एक वर्ब है, इसमें ER लगा करके ज्वाइनर बन गया, तो ज्वाइनर का मतलब हो गया जोड़ने वाला। कंबाइन उसी तरीके से, कंबाइन एक वर्ब है, कंबाइनर में ER लगा दिया तो बन गया कंबाइनर। तो डियर ये सारे काम क्या करते हैं, जोड़ने वाले काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंजंक्शन है एक्चुअली ये सिनोनिम्स हो गया ज्वाइनर और कंबाइनर का। कंजंक्शन आर यूज टू ज्वाइन क्लॉजेस फ्रेजेस वर्ड्स टूगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस। क्या करता है कि आप कुछ शब्दों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज है कि आप 8वीं 9वीं से कम तो जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन क्या काम करता है। ये शब्दों को जोड़ता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ता है, फ्रेजेज को जोड़ता है, क्लॉजेज को जोड़ता है, और करता है क्या, एक आपको कंस्ट्रक्शन करने में, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में आपकी ये हेल्प करता है। पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, विदाउट कंजंक्शन वी वुड बी फोर्स टू यूज ब्रीफ सिंपल सेंटेंसेस दैट डू नॉट एक्सप्रेस द फुल रेंज ऑफ मीनिंग वी विश टू कम्युनिकेट। नाउ द ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है डियर, ये काफी अच्छे से समझिए आप। ये कह रहा है कि अगर हमें कंजंक्शन नहीं आता है, देन व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वी विल एलोबरेट और वी विल लाइक कन्वे माय फीलिंग और लाइक योर थॉट इन अ सिंपल सेंटेंस। आप क्या करोगे, सिंपल सेंटेंस सिर्फ बना पाओगे, आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आप कंपाउंड बोलना चाहते हैं या सेंटेंस कंटिन्यूअसली, चूंकि व्हेन यू स्पीक इंग्लिश तो आपको क्या होता है कि एक शब्द के बाद दूसरा शब्द जोड़ना पड़ता है, एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस जोड़ना पड़ता है, क्लॉज के बाद दूसरा क्लॉज जोड़ना पड़ता है, एंड कंजंक्शन इज दैट वर्ड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन जॉइनिंग टू क्लॉजेस सेंटेंसेज और वर्ड्स। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर आपको कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा, थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं डियर कुछ एग्जांपल्स की, लाइक रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग टुगेदर। नाउ इफ वी डू नॉट नो एंड, सपोज मान लिया जाए कि हमें एंड नहीं आता है, देन वी विल से लाइक रोहन इज प्लेइंग
एंड सोहन इज प्लेइंग, एंड हटा दीजिए, हम दो सेंटेंस बोल रहे हैं, रोहन इज प्लेइंग और बोलेंगे सोहन इज प्लेइंग, लाइक दिस ऐसा बोलेंगे। बट एज वी नो कि एंड से हम क्या करते हैं कि अगर सेम फंक्शन दोनों कर रहा है तो दोनों का सिर्फ सब्जेक्ट लिखेंगे और ये चीज दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। आर प्लेइंग है जो रोहन इज प्लेइंग का और सोहन इज प्लेइंग का, दो इज हो गया, इज प्लस इज क्या हो जाएगा, ये आर में चेंज हो जाएगा, सो यहां पर आर हो गया। पॉइंट यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, रोहन प्लेज वेल बट सोहन प्लेज बेटर देन हिम। अब यहां पर बट को देखिए कितना अच्छा सेंटेंस क्रिएट कर पाए। अगर हमें बट की नॉलेज नहीं होती, हाउ वी विल कन्वे, कैसे कन्वे करते, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। आई प्ले क्रिकेट एंड रोहन प्लेज फुटबॉल। अब देखिए फिर से यहां पे मैं क्रिकेट खेलता हूं और रोहन फुटबॉल खेलता है, सो यहां पर एंड क्या कर रहा है, आपको कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंसेज को एड करने में आपकी हेल्प कर रहा है। When he was sick, I went to see him. जब वह बीमार था मैं उससे मिलने गया था, तो एक क्लॉज को जोड़ रहा है, एक क्लॉज इधर आपका हो गया when he was sick and I went to see him, उसको जोड़ रहा है। तो I hope कि कंजंक्शन का बेसिक चीज आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली ये करता क्या है कि दो सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करता है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि भाई कंजंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो आते हैं पहला टाइप्स, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग से आपको पता चल रहा होगा कि को का मतलब क्या होता है, सहायक, इन हिंदी इफ आई राइट सहायक, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द फंक्शंस ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज टू ज्वाइन टू वर्ड्स फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक और स्टेटस। अब देखिए यहां से एक हिडन चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली जो कंजंक्शन का मेन डेफिनेशन है ना वो यही है, मतलब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं द सेम इज इन द मेन लाइक डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन, वही आपके कंजंक्शन का मेन डेफिनेशन है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का डेफिनेशन होता है। नाउ इट जॉइंस, कितने को जोड़ता है, ये दो शब्दों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है और दो क्लॉजेस को जोड़ता है, यही चीज हम पढ़ते हैं कंजंक्शन में। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका एक तरीके से बोला जाए तो ये मेन कंजंक्शन है, ठीक है। याद रखेंगे ये इक्वल रैंक, अब इक्वल रैंक कहने से मेरा क्या तात्पर्य है, इक्वल रैंक कहने का मतलब है कि अगर एक नॉन है तो ये नॉन को नॉन से जोड़ेगा, अगर एक कोई सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ेगा, अगर कोई वर्ब है तो दूसरे वर्ब को जोड़ेगा, ठीक है। आई मीन इक्वल रैंक और स्टेटस, ये हो गया, ठीक है, आगे आइए। अब आते हैं कि इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, दैट इज कॉल्ड फैन बॉयज। क्या है, फैन बॉयज। अब क्या है फैन बॉयज, जरा समझा जाए, एक्चुअली ये एक्रोनिम्स है, इसको एक्रोनिम्स आप लोग को पता होगा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। एक्रोनिम्स होता है क्या कि किसी शब्दों को किसी शब्द के पहले लेटर से निकाल करके, दो चार शब्द हैं अगर उनके हम पहले लेटर को निकाल करके एक हम वर्ड कोर्सिस करते हैं बनाने की, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। तो देखो एफ फॉर फोर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, Y for it and S for so. So these are the coordinating conjunction that will join two words, clauses or sentences of equal rank. जो कि दो तरह के clauses को जोड़ सकता है, words को जोड़ सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसका rank equal होना, और rank का हम बता चुके कि rank किसको कहते हैं। Examples की बात कर ले, she bought a book and a pen. अब देखिए यहां पर क्या है कि दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, a book and a pen. ये दो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम आपका एंड कर रहा है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई लाइक टू रन एंड स्विम। अब देखिए यहां पर फिर से दो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, रन और स्विम। अब देखो टू यहां पर एक ही बार लिखा गया चूंकि ये दोनों के साथ कॉमन हो गया, मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते तो ये चीज आपको पता होगी। यू कैन मीट मी एट माई होम और एट माई ऑफिस। अब देखिए ये क्या कर रहा है, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। डियर अगर आप लोग वर्ड्स फ्रेजेस का डेफिनेशन या अंतर नहीं समझ पाते तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे, मैं सेपरेट वीडियो इसके लिए जरूर लाऊंगा। सो यू कैन मीट मी एट माय होम। अब देखिए कहा गया एट माय होम, तुम मुझे मेरे घर पे मिलो, और एट माय ऑफिस, और कहां मिलो जी, मेरे ऑफिस में मिलो। तो एट माय होम इज वन फ्रेज एंड एट माय ऑफिस इज अनदर फ्रेज, क्लियर। आई एम अ बिग फैन ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स बट नॉट वॉचिंग देम। अब देखिए यहां से नॉट वॉचिंग देम एक फ्रेज हो गया, और आई एम अ बिग फैन ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स, ठीक है, ये आपका दूसरा फ्रेज हो गया। तो हम सेपरेट फ्रेज को जोड़ सकते हैं, दो इंडिविजुअल वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, और ये सारा का सारा जो काम करता है ना, ये आपका करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
नेक्स्ट आ जाइए, आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिड नॉट कम। अब देखिए यहाँ पे दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, ये आपका मेन क्लॉज है और ये आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये क्लॉज को भी जोड़ने का काम करता है और ये चीज तो हम लोग बेसिक में पढ़ ही चुके हैं। शी रिक्वेस्टेड देम फॉर हेल्प बट दे डिड नॉट हेल्प हर। आई बिलीव यू फॉर यू हैव नेवर लाइड टू मी बिफोर। इस फॉर का मतलब पता होगा, यहाँ पर इसका मतलब है बिकॉज। क्लियर? तो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, और इसको जानने के बाद जब हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। बात करते थोड़े से पंक्चुएशन रूल है कंजंक्शन में कि बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अ कॉमा नॉर्मली प्रीसीड्स इट। एक्चुअली होता क्या है कि ये अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने इस्तेमाल किया तो इसके पहले कॉमा भी आता है। जनरली हम लिखने के टाइम में यूज ऐसा नहीं करते, बट अगर आप बुक वगैरह पढ़ेंगे तो ऐसा आप देखेंगे कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया है तो उसके पहले कॉमा आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये क्या होता है? एक्चुअली वैसे कंजंक्शन जो पेयर में मिलते हैं, सिंपल, जो आपको पेयर में कंजंक्शन मिलते दैट इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शन दैट वर्क टुगेदर टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। तो सिंपल दो एलिमेंट्स को जोड़ने का काम करता है और इनके साथ जो आपको एक अपने लेवल पे क्वेश्चंस अराइज होता है वो ज्यादा होता है इनका पोजीशन लेकर के। एक तो इनका पेयर से भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा। पेयर से क्या आता है कि इधर के साथ नॉर लगा के दे दे, एंड लगा के दे दे, तो गलत हो जाएगा कि अगर इधर आया है तो इधर के साथ क्या आएगा? और ही आएगा। बोथ आया है तो बोथ के साथ और नहीं आएगा, वो आएगा तो एंड ही आएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि इससे दिक्कत क्या होगा कि कोरिलेटिव्स के आपको पेयर याद करने और साथ ही साथ उसका पोजीशन कि अगर एक किसी नॉन के पहले आया है तो दूसरा वाला भी किसी ना किसी नॉन के पहले आएगा, अगर एक सब्जेक्ट के पहले आया तो दूसरा वाला भी सब्जेक्ट के पहले आएगा। और एरर यही दिया जाता है कि एक के पहले वर्ब के पहले लगा देता है और दूसरा सब्जेक्ट के पहले लगा देता है, तो एरर हो गया ना, एक सब्जेक्ट के पहले और एक वर्ब के पहले, तो एरर हो गया। तो ये चीजें कोरिलेटिव्स आपको एग्जाम में, मतलब एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहीं से बनता है। सबसे ज्यादातर क्वेश्चन जो अगर कंजंक्शन से दिया जाता है तो यही चीज से दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं नीदर मोहन नोर सोहन कैन प्ले बेसबॉल। अब यहां पर बात करें, देखिए ये सोहन के पहले आया, ये मोहन के पहले आया, दोनों सब्जेक्ट है, ठीक है, और दोनों के पहले आया सो सही है। अब लगा क्या देता है कि नीदर मोहन कैन प्ले नोर, यहाँ पे आ जाता है नीदर मोहन, या यहाँ पर कॉमा लगा दे या समथिंग लाइक, और उसके बाद इधर नोर का इस्तेमाल कर दे तब गलत हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं आई नीदर टॉक टू हिम नोर हेल्प हिम, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो करता है आपको इस नोर की पोजीशन यहां पे दे देता है हिम के पहले। आई नीदर टॉक टू हिम हेल्प हिम और हेल्प नोर हिम, इस तरीके से करके आपको एरर दिया जाता है। सो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि पोजीशन आपको देखना है। अब देखिए यहां पर टॉक आया तो टॉक के साथ आएगा, नोर के साथ हेल्प के साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वर्ब के पहले आया था, दोनों जगह वर्ब के पहले ही आएगा। पॉइंट क्लियर? आई वॉन्ट बोथ, अब देखो ये बोथ यहां लिख दे कि आई बोथ वॉन्ट आइसक्रीम एंड जूस, तो गलत हो जाएगा फिर। अब देखो अगर आइसक्रीम के पहले लगाया तो दूसरा जो एंड आएगा वो जूस के पहले आएगा, अगर यहां पर ये लगा दे तो ये गलत हो जाएगा, बोथ फिर आइसक्रीम के पहले आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते शी एट नॉट ओनली आइसक्रीम बट आल्सो चॉकलेट, ठीक है। अब इस बट आल्सो की पोजीशन आपको देखना पड़ेगा कि किन के पहले आया है। तो कोरिलेटिव वाले में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी ये आएगा पेयर में आएगा और इसकी पेयर की पोजीशन और पेयर दोनों चेक करना है आपको। ही मे बाय इधर अ लैपटॉप और अ कैमरा। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट आइए आते बात करते सबसे ज्यादा यूज होने वाला और इससे भी आपको एरर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आपने सुना होगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, तो ये कंजंक्शन से जो शुरू होता है ना उसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कह देते हैं। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस अ सबऑर्डिनेट जो कि डिपेंडेंट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि क्लॉज हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो सबऑर्डिनेट है ना यही है, एक्चुअली होता क्या है कि ये अपने मीनिंग के लिए इस मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता, आश्रित होता है, ठीक है।
ये सारे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का निर्माण करते हैं। मतलब आपको चीजें यहाँ पे समझना है कि अगर इन सारे वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू है तो आपको ये ध्यान देना है कि ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैं, एससी, ठीक है। और ये मेन क्लॉज को पीसी बोलते हैं, एक्चुअली प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है, ठीक है। आइए अब ये क्या करता है कि दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो हमारा होता है कि मेन क्लॉज हम पहले लिखते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बाद में लिखते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हर वक्त आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को पहले कर दो, मेन क्लॉज को बाद में लिख दो, जैसी आपकी मर्जी आप वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सर कंजंक्शन से शुरू होता है उसको हम पहले थोड़ी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं एक सेंटेंस छोटा सा, आई डोंट नो What you do? अब इसको लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, What you do, I don't know. लेकिन बात करते हैं बेहतरी की, ठीक है, कि बेहतर क्या है। बेहतर है कि भाई पहले मेन क्लॉज को लिखो और बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखो, ठीक है। वन विल सक्सीड इन लाइफ प्रोवाइडेड दैट, अब देखो अब इसको पहले लिख दो ना थोड़ा पता लगेगा, प्रोवाइडेड दैट वन थिंग ऑप्टिमिस्टिकली वन विल सक्सीड इन लाइफ, गलत नहीं होगा लेकिन बड़ा अटपटा सा लगेगा, ठीक है। शी वेंट टू जू, द लगा दीजिए यहाँ पे, ज्यादा बेटर होगा। शी वेंट टू द जू वेयर शी सॉ अ व्हाइट एलिफेंट, अब वेयर का मतलब आप इसको लिख दीजिए, वेयर शी सॉ अ व्हाइट एलिफेंट शी वेंट टू द जू, अटपटा लगेगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेज ऐसे मिलेंगे जिनको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, मीनिंग में कभी अंतर नहीं आएगा। आई एम देयर वेन एवर यू नीड माई हेल्प, मतलब मैं वहां पर रहूंगा, मिलूंगा आपको जब कभी भी आपको जरूरत हो मेरी हेल्प की। All the shops were closed because it was Durga Puja. नहीं, Durga Puja में क्या होता है? Open होता है. Actually मैंने slide को change नहीं किया था. All the shops were open because it was Durga Puja. सारे दुकान खुले हुए थे क्योंकि Durga Puja था. तो ये जो because है ना, आप because पहले रख दीजिए, because it was Durga Puja, all the shops were open. अब देखो यहाँ पर कोई भी meaning में आपको change नहीं, और सुनने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। If you provide sugary foods, you will lose your weight. If you avoid sugary foods, you will lose your weight. अब देखो यहाँ पर बात है कि you will lose your weight if you avoid sugary food. अगर आप sugary food से avoid करोगे, आपका वजन कम हो जाएगा। तो पहले आप इसको हम conditional में बहुत पढ़ते थे, basic से हमें पता है कि conditional sentence बोलते हैं। तो भैया result पहले लिख दो, condition बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, एक है conjunctive adverbs. Actually इसको यहाँ पे लेने का क्या मेरा मतलब है कि एक्चुअली होते क्या है कि ये एडवर्ब्स हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो फंक्शन है ना वो कंजंक्शन जैसा है, बस यही मतलब है कि इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड किया हूं, ठीक है। एक्चुअली ये सारी आपकी इंडियन राइटर की बुक में नहीं मिलता, जनरली इंडियन राइटर की बुक में नहीं मिलता है, बट अगर आप फॉरेन राइटर के बुक्स पढ़ोगे तो उन्होंने इसको इंक्लूड किया है, कंजक्टिव एडवर्ब्स को, ठीक है। कंजक्टिव एडवर्ब्स ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ये क्या करता है, दो इंडिपेंडेंट को जोड़ता है, मतलब जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता है वही ये काम करता है, ठीक है। As their name indicates, conjugative adverbs are actually adverbs. देखो बताया मैंने, ये adverbs होते हैं, but they act as an connectors. क्या करते हैं? As connectors. वो connectors के जैसा काम करते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे include किया। जैसे, after all, besides, finally, however, nevertheless, then, therefore. एंड इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक्चुअली ये एडवर्ब्स ही होते हैं, बट काम थोड़ा सा कनेक्शन का करते, जोड़ने का करते, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। कंजक्टिव एडवर्ब्स नीड अ सेमी क्लोन और पीरियड बिफोर देम एंड अ कॉमा आफ्टर देम, ये थोड़ा सा एक पंक्चुएशन का है, वो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ही इज एन एक्सलेंट पियानिस्ट, हाउएवर, अब देखिए एक सेमी क्लोन यहाँ पर लगा, ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, हाउएवर ही रेयरली प्रैक्टिसेस, है तो बहुत अच्छा पियानिस्ट, ठीक है, लेकिन वो कभी कभी प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो ये भी आपका एडवर्ब्स और कंजंक्शन के जैसा काम करता है, एडवर्ब्स लेकिन कंजंक्शन के जैसा काम करता है। संध्या लव्स द स्वेटर, आफ्टर ऑल पर्पल इज हर फेवरेट कलर, फिर से वही आपको फंक्शन यहाँ पे, और ये आपको बुक्स वगैरह अगर आप ढंग से अगली बार से ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीज आपको जरूर दिख जाएगी। आई नेवर टेक एनी विटामिंस, नेवरदलेस आई फोर्स माई किड्स टू टेक देम, मैं नहीं लेता हूं भले ही, ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों को फोर्स करता हूं कि नहीं आपको नेवर आपको लेना पड़ेगा, ये जो विटामिन्स होते हैं वो लेना पड़ेगा। आई होप ये चीजें समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी कि कंजंक्शन का फंडामेंटल्स
डेफिनेशन और काइंड्स, यही था फंडामेंटल्स। काम क्या करता है ये हमने सीखा कि भैया ये जोड़ने का काम करता है, अलग अलग तरीके के सेंटेंस होते हैं और अलग अलग तरीके से जोड़ने का काम करता है। और नेक्स्ट जल्दी मैं वीडियो शूट करके डालूंगा, अगर मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं तो मैं वीडियो शूट करके एक रेगुलर इंटरवल पे जरूर यहां पर वीडियो आता रहेगा। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अन अकेडमी पर आप लाइव जुड़ सकते हैं हमसे रात को 9 बजे, और एक क्लास हमारी अभी ये दोनों क्लासेज नहीं चल रही है बट जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा, 6 to 7 एक चल रहा है CHSL का क्लास, तो इसको आप अटेंड जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सर्कुलेशन ज्यादा हो वीडियो का, जितना मैक्सिमम हो सके सर्कुलेशन ज्यादा हो। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।